एक नजरिए की बुनियाद पर आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। हमने कभी यह नहीं कहा कि हम हमारे अंदर मलाइका हैं, हम फरिश्ते हैं, हमसे भी गलतियां हुई हैं, लातदाद गलतियां हुई हैं, मगर गलतियों से सीखा है, अपनी इसलाह की है। एक ऐसा आदमी सामने खड़ा कर दिया लाके, उस पर बाकायदा इन्वेस्टमेंट की गई है, उस पर पाकिस्तान के अंदर से भी इन्वेस्टमेंट की गई, मुल्क के बाहर से भी इन्वेस्टमेंट की गई, और एक ऐसा आदमी घड़ा गया कि जो थर्ड फोर्स बनाया जाए, वो अलग बात है, प्रोजेक्ट नाकाम हो गया, क्योंकि बदनीयती की बुनियाद पर जब आप काम करेंगे तो नाकाम होंगे। अब बाज़ लोग हैं उनको ठंड नहीं पड़ रही, वो अभी भी मौजूद है, जो 2011 में जिन्होंने लॉन्चिंग करवाई थी, 2014 के धरनों को स्पॉन्सर किया था, और अभी तक वो ये समझते हैं कि किसी तरीके से बाजी को पलटाया जाए। ये मुल्क की खिदमत है, जमहूरियत और आइन और हकूक मांगने वालों पे केसेस बना दो। ये 5 साल से हम यहाँ पे आते हैं, पेशी डलवा के चले जाते हैं, क्या हमने लूटा मुझे बताएं जी, क्या लूटा है? वो लूट का माल किधर है? वो लूट के माल का सबूत क्यों नहीं दिया गया आज तक, क्या लूटा है? इसी तरह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पे इल्जाम लगे हमारी जमात पे, खरबों रुपए की डेवलपमेंट करवाई है, वो डेवलपमेंट का इल्जाम क्यों नहीं लगा कि उसमें कुछ खाया है? खरबों रुपए के प्रोजेक्ट लगाए हैं, उसका इल्जाम क्यों नहीं आप लोग लगा सके? जाती हमले करने, किरदार कशी करनी, फिर सोशल मीडिया के ट्रेंड सेट करवाने यूट्यूबर्स के जरिए, टिकटॉकर्स के जरिए, ये पैसा कहाँ से आ रहा है जो इस्तेमाल करता है इमरान खान और उसके सहूलत का? तो वक्त आ गया, बहुत हो गई है, बड़ा एहतराम किया है, बड़ा बर्दाश्त किया है, बहुत सब्र किया है, जेलों में गए हैं फिर भी इज्जत की है, इलेक्शन छीन लिया गया 2018 का, ना चाहते हुए भी उसको मान लिया कि डिस्टेबलाइज ना हो जाए पाकिस्तान। अब क्या गुनाह किया अगर हमने इतमाद की है? आप करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।